Good morning students, I am back again with the new video of HTML 5. In this video you are going to learn about these topic, which is first of all you will learn that CSS list properties. So what is the mean of CSS and how we can use in HTML? You will going to learn this thing. Then you will know about the description list, that how we can use it, and last you will know about the table. So how you can use or how you can make a table in your HTML document. So now let's begin with this video. So first of all, you have to know about what is the mean of CSS. So CSS stands for the cascading style sheet, which is used to make attractive or web pages. Okay, so the CSS properties allow you to make your list look attractive. It allow you to set a list item marker for order or unordered list. It allow you to set an image as a list item as a marker. So we can modify our list in the following types, just like your list style type, and you can put any image as a list bullet. Then you will know that how we can make a position of our list, like inside or outside. Then list style. So to make CSS list, you just need to start the notepad. So here I'm already made a program, which is here. So I'll just explain you that how you can make a list with CSS. Okay, so this is the program. Okay, so how we can how I just made it, I just explain you. Okay, so क्या करना है आपको? सबसे पहले वही basic HTML का जो code है वो आपको लिखना है यहाँ पे. So हमने HTML लिखा यहाँ पे, ठीक है? HTML type किया, then head के बाद में title. So title में मैंने CSS order and unordered list की properties यहाँ पे as a title यहाँ पे दे दिया. Then head को close किया and body को start किया. Okay, so यहाँ पे ये जो हमने list background color जो ये खाकी जो लिखा है, ये है इसका style. Okay, जब हम लोग CSS को use कर रहे हैं. Okay, so these also called as a attribute. Okay, attribute क्या होते हैं? Last video में मैंने आपको बताया था कि body जो भी tag है, उस tag के जो closest brackets होते हैं, उस particular tag के अलावा जो भी हम उसकी property को define करने के लिए जो भी लिखते हैं, उसको हम लोग attributes बोलते हैं. ठीक है, so यहाँ पे हम लोगों ने attribute लगाया है list का जो है body के लिए. Style background जो color है, उसको हमने क्या denote कर दिया? As a khaki. ओके, सो जो बैकग्राउंड कलर आएगा वो आपका आएगा खाकी. ओके, सो देन हमने हेडिंग 2 स्टार्ट किए यहाँ पे, जिसका स्टाइल में ले लिया है कलर रेड. ओके, सो ये फॉर्मेट आपको फॉलो करना पड़ेगा जब भी आप लोग वेब पेज बनाओगे विद द हेल्प ऑफ नोटपैड. ओके, सो ऐसे आपको डबल कोट के अंदर कलर, फिर कॉलन और रेड लिखना पड़ेगा. ओके, सो बेसिक कलर में से आप कुछ भी कलर चूज कर सकते हो, पिंक, रेड, ब्लू, ग्रीन. ओके, सो व्हाट एवर यू वांट टू यू कैन चूज इट. ओके, फिर उसके बाद में हेडिंग में मैंने लिखा प्लेस टू विजिट. ओके, इन दिल्ली. ओके, सो दिल्ली के अंदर कौन कौन से प्लेसेस हैं जो कि विजिट करने के लिए हैं, ठीक है? उसकी हम लोग एक लिस्ट बना रहे हैं. सो ये है फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी यूएल. यूएल इन द मीन ऑफ अनऑर्डर्ड लिस्ट, ठीक है? उसकी मैंने लिस्ट दे दी है, लिस्ट टाइप और स्क्वायर, ठीक है? सो यहाँ पे स्क्वायर दे दिया है सबसे पहले उसका टाइप, ठीक है? जो बाई डिफॉल्ट आपका सर्कल आता था, मैंने यहाँ पे टाइप में स्क्वायर दे दिया, ठीक है? फिर लिस्ट आइटम में लिख दिया रेड फोर्ट और ये सारी चीजें, ठीक है? देन आई जस्ट क्लोज द यूएल अगेन फॉर दिस टाइप ऑफ लिस्ट. ओके, फिर हेडिंग 2 मैंने स्टार्ट किया है, उस एक और लिस्ट लिए जो कि ऑर्डर्ड के लिए, ठीक है? तो एक ही प्रोग्राम में मैं आपको दोनों लिस्ट बता दूंगा, ऑर्डर एंड अनऑर्डर्ड के लिए. ओके, सो लिस्ट जो 2 है उसके लिए हेडिंग मैंने डाली है रेड कलर, जो अगेन, चलो मैं यहाँ पे इसको कलर को चेंज कर देता हूँ. सो जो भी हेडिंग का कलर आने वाला है वो अब आएगा आपका ब्लू. ओके, सो फेमस डिशेस ऑफ दिल्ली, उसके अंदर मैंने ये ले लिया. ओएल के अंदर स्टाइल दे दिए है लिस्ट स्टाइल टाइप लोअर अल्फा. ओके, सो लोअर अल्फाबेट्स आने वाले हैं यहाँ पे. ओके, और लिस्ट आइटम दे दिए यहाँ पे एलआई करके, पराठास, बटर चिकन, कबाब, कुल्फी एंड चार. ओके, और फिर ओएल को यहाँ पे क्लोज करना है. ओके, सो यहाँ पे हमने इसको क्लोज कर दिया, और बॉडी को क्लोज किया ना, एचटीएमएल को क्लोज किया, ठीक है? सो जो इसके जो जस्ट पहले वाला जो वीडियो था, आपने सेव करना सीख ही लिया था कि कैसे हम लोग सेव करते हैं. तो सेव करने के लिए आपको मैं आपको वापस बता देता हूँ. क्लिक कीजिए फाइल पे, देन सेव इज बटन. ओके, और सेव पे जिस भी लोकेशन पे आपको सेव करना है, जैसे मैंने यहाँ पे डेस्कटॉप पे स्कूल और फिर एचटीएमएल का एक
फुल टाइम वहां सेव कर रहा हूँ, और CSS1 करके एक फाइल का नेम ले लिया मैंने, ठीक है, डॉट HTML मेरे को यहाँ पे लिखना है, ठीक है। तो ये वैसे पहले से सेव है, तो ये रिप्लेस के लिए शायद पूछेगा, तो मैं सेव पे जैसे क्लिक करूंगा तो ये रिप्लेस के लिए पूछ रहा है, तो मैं यस कर देता हूँ, ओके, क्योंकि मैंने चेंजेस किए हैं, ओके। सो फाइल के लोकेशन पे हम लोग जाते हैं, फोल्डर पे यहाँ पे, और CSS1 ये रहा, ठीक है। तो जैसे ही मैं डबल क्लिक करूंगा तो देखिए ये बैकग्राउंड कलर आपका खाकी आ चुका है, ओके, एंड जो लिस्ट है वो इस तरीके से आ गई है, ओके। सो दिस इज हाउ यू कैन मेक योर लिस्ट विद द हेल्प ऑफ CSS कमांड, ओके। नाउ एक नेक्स्ट इसका जो पार्ट हम लोग देखने वाले हैं, वो अब लिखने वाले हैं कि आप लोग इसके अंदर इमेज कैसे इंसर्ट कर सकते हो एज अ लिस्ट आइटम, ओके। तो ये जो लिस्ट आपको जो ये बुलेट्स जो दिख रहे हैं, ठीक है, इसके साथ में आप लोग इमेज कैसे इंसर्ट कर सकते हो, ठीक है। तो उसके लिए भी आपकी बुक्स में एक प्रोग्राम है, मैं आपको प्रोग्राम यहाँ बता देता हूँ जो कि मैंने पहले से बनाया हुआ है, ठीक है, टाइम कंज्यूमिंग ना हो इसलिए मैं पहले से ही मैंने यहाँ पे टाइप करके रख रखे, ओके। सो दिस इज द सेकेंड प्रोग्राम ऑफ योर द CSS लिस्ट प्रॉपर्टीज, ओके। तो क्या करना है, वही बेसिक HTML लिखना है, फिर क्या किया यहाँ पे हेड को ओपन किया, हेड को ओपन करके बाद में वही टाइटल लिखा, टाइटल के बाद में यहाँ पे भी बैकग्राउंड कलर खाकी ले लिया, ओके, इस लिस्ट स्टाइल में रेड कलर ले लिया। यहाँ पे हम लोग सेवन वंडर्स ऑफ एशियंट वर्ल्ड यूज ले रहे हैं, ठीक है। UL लिया, UL के अंदर जो लिस्ट स्टाइल हम लोग जहाँ टाइप दे रहे थे वहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पे इमेज ले लिया, ठीक है। सो ये जो सिलेक्शन पार्ट देख रहे हैं आप लोग, ओके, ये ओके, फिर इसमें इमेज ले लिया, इमेज के बाद में कॉलन, कॉलन के बाद में URL, URL इन द सेंस फॉर द एड्रेस ऑफ योर इमेज, ठीक है। तो आप एक काम कीजिए, जहां भी आप फाइल सेव कर रहे हैं उसी के जस्ट पास में आप क्या कीजिए, आपका जो भी इमेज आप लोग लगाना चाहते हैं, ठीक है, वो आप लोग वहां पे सेव कर दीजिए। तो देखिए मैंने यहाँ पे ये फोल्डर है, ठीक है, ये फोल्डर है, यहाँ पे मैंने इमेजेस जो है सेव कर रखी है और यहीं पे मेरी फाइल है, ठीक है। तो अब आपको क्या है कि URL लगाने की जरूरत नहीं है, केवल आपको URL के अंदर क्या करना है, आपको करना है आपके इमेज का नेम और डॉट उसका फॉर्मेट। तो PNG टाइप की इमेज थी मेरे पास में, इसलिए मैंने PNG यहाँ पे ले लिया। इफ यू हैव JPG टाइप इमेज देन यू हैव टू टाइप द नेम ऑफ द फाइल एंड डॉट JPG, ओके। सो नेक्स्ट हम लोग उसमें देखेंगे जैसे यहाँ पे, ठीक है। तो PNG फाइल ले लिए यहाँ पे, फिर लिस्ट स्टाइल पोजीशन इनसाइड, ठीक है, हम लोग पोजीशन में यहाँ पे ले रहे हैं, ठीक है। इनसाइड और आउटसाइड मैं आपको बता दूंगा। फिर यहाँ पे LI करके आपने लिस्ट आइटम दे दिए और EOL को क्लोज कर दिया, ओके। फिर वापस एक और लिस्ट लिए सेवन वंडरलैंड सेम, उसमें मैंने क्या किया है यहाँ पे इनसाइड और यहाँ पे मैं कर देता हूँ पोजिशन को आउटसाइड, ओके। सो ये है आपका तरीका, जो सेम एज इट इज आपको ऐसा फॉर्मेट में जो भी प्रोग्राम है वो उस तरीके से लिखने, लिस्ट साइज आप चेंज कर सकते हो यहाँ पे जो भी एडिट करना है आपको, ठीक है। सो ग्रेट पिरामिड ऑफ गिजा यहाँ पे आप चेंज कर सकते हो, ये सारी चीजें। फिर लास्ट में क्या किया, यूएल को क्लोज किया, बॉडी को क्लोज किया और हेड एचटीएमएल को क्लोज किया। सो दिस इज द नेसेसरी पार्ट फॉर द व्हेनेवर वी मेक एचटीएमएल डॉक्यूमेंट। अगेन क्या करना है आपको, सेव करना है, ये ऑलरेडी सेव है तो मैं जस्ट सेव कर रहा हूँ, ठीक है। सेव इज मैंने आपको बता ही दिया था। तो आपको क्या करना है, फाइल लोकेशन पे जाना है और फाइल लोकेशन पे ये सेकंड फाइल मेरी ये थी, ओके। सो दिस इज हाउ यू कैन सी द लिस्ट बुलेट, ओके। सो पहले मैंने जो इमेज ली थी वो PNG फॉर्मेट की थी, वो अलग थी, तो यहाँ पे ये राइट का मार्क आ गया है और सेकेंड जो इमेज है वो मेरी ये। अब देखिए ये जो डिफरेंस देख रहे हैं आप लोग इमेज के साइज में, ठीक है। तो जो साइज की इमेज आप लोग पुट करेंगे यहाँ पे जो लगाएंगे, ठीक है, सेम साइज की इमेज वो आने वाली है। तो आपको क्या करना है, आपको इमेज जहाँ पे भी आपके सेव है वहां जाना है और इनको एडिट करके इसको छोटा करना है। देखिए यहाँ पे ये साइज देख रहे हैं आप लोग, दो फाइल जो है, ठीक है, इसका साइज बड़ा है और इसका साइज छोटा है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, उसको कंप्रेस करके उसके साइज को क्या करना है, छोटा करना है, ओके। सो दिस इज हाउ यू कैन make the image as a bullet of your list with the helping of CSS, okay। इस तरीके से आप लोग इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं आपको बता रहा था कि आउटसाइड और इनसाइड में फर्क, ठीक है। सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द पोजीशन ऑफ द लिस्ट, हम लोगों ने जब पोजीशन की भी बात की थी तो हम लोग पोजीशन की भी बात कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो पोजीशन का सेंस क्या होता है यहाँ पे, सो लिस्ट आपकी लिस्ट स्टाइल और पोजीशन, ठीक है, यहाँ से आप लोग उसकी पोजीशन को चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये आउटसाइड लिया और यहाँ पे इनसाइड। सो व्हाट इज द डिफरेंस,
डिफरेंस क्या होगा यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि ये जो हम लोग इनसाइट ले रहे हैं, ठीक है, सो ये इनसाइट फर्स्ट वाला इनसाइट है। तो इनसाइट में मतलब क्या होता है, जो भी इमेज जो आपकी जो लिस्ट आ रही है वो देखिए थोड़ी सी पेज के अंदर आएगी, ठीक है। और ये जो सेकंड जो लिस्ट थी आपकी सेवन वंडर सेम जो थी, ठीक है, इसके अंदर जो लिस्ट आ रही है उसका स्टार्टिंग पॉइंट देखिए थोड़ा सा बाहर की तरफ है, ठीक है। सो पेज के जो सेंटर की तरफ जो आए उसको हम लोग इनसाइड एज अ कंसिडर करते हैं, और आउटसाइड जो पेज के कॉर्नर पे या एजिस पे आए। ओके, तो अगर देखिए मैं इसी पेज को एडिट कर देता हूँ, यहाँ पे इनसाइड की जगह मैं आउटसाइड लिखता हूँ। सो आउटसाइड मैंने यहाँ पे लिखा, कंट्रोल एस किया, और वहां जाके मैं उसको क्या करूंगा, जस्ट रिफ्रेश, क्योंकि चेंज हो गया सोर्स फाइल में तो यहाँ पे भी चेंज आना चाहिए। तो जैसे मैंने रिफ्रेश किया तो देखिए ये भी इस तरफ आ गया। ओके, तो इमेज का फर्क है, इस वजह से बस आपको ये क्या हो रहा है आपको नहीं पता चल रहा है, ठीक है। मतलब कि ये जो एजेस आपको जो दिख रही है वो आपको थोड़ी सी लाइन में नहीं दिख रही, क्योंकि जो सेकंड लिस्ट की जो बुलेट्स है उसकी इमेज थोड़ी सी बड़ी है, और जो फर्स्ट लिस्ट की जो इमेज है वो थोड़ी सी छोटी है। सो दिस इज द ओनली डिफरेंस। ओके, और अगर मैं इमेज को सेम कर देता हूँ तो देखो मैं सेम करके यहाँ पे इमेज सेम इमेज लगा देता हूँ, और यहाँ पे उसका फॉर्मेट क्या था, PNG, तो मैं यहाँ पे PNG यहाँ पे लगा देता हूँ, कंट्रोल एस करता हूँ। अब आपको दोनों सेम देखने को मिलेगा, ठीक है, देखिए ये देखिए। ओके, सो इनसाइड इनसाइड में दोनों देखिए सेम हो चुका है, सॉरी आउटसाइड आउटसाइड में दोनों सेम हो चुके हैं, ठीक है ये चीज। और अगर मैं सेकंड वाले को इनसाइड कर देता हूँ तो सेकंड वाले को मैंने बस इन लिखा, कंट्रोल एस किया, और यहाँ जाके रिफ्रेश करूंगा तो देखिए ये अंदर की तरफ आ गया। ओके, सो दिस इज हाउ यू कैन मेक योर लिस्ट विथ मोर अट्रैक्टिव विद द हेल्प ऑफ CSS लिस्ट प्रॉपर्टीज। ओके, सो आई होप यू आर वेरी वेल नोन अबाउट दीज लिस्ट थिंग्स। ओके, सो नाउ नेक्स्ट पार्ट इज डिस्क्रिप्शन लिस्ट। ओके, सो देर आर द मेनली टू टाइप ऑफ लिस्ट विच इज ऑर्डर्ड एंड अनऑर्डर्ड। सो थर्ड टाइप इज द डिस्क्रिप्शन लिस्ट। ओके, तो वॉट इज द मीन ऑफ डिस्क्रिप्शन लिस्ट, दिस सो ऑल HTML ऑल्सो सपोर्ट डिस्क्रिप्शन लिस्ट। डिस्क्रिप्शन लिस्ट इज अ लिस्ट ऑफ टर्म्स विद द डिस्क्रिप्शन ऑफ ईच टर्म। द DL एंड क्लोज DL टैग डिफाइन द डिस्क्रिप्शन लिस्ट। A description list is the container element for DT and DD. Okay, so description data and description definition elements. So the DL list is used when you want to incorporate a definition of the term in document. The DT tag define the term like name, and DD is a tag describe the each term. ओके, सो वेन एवर यू वॉन्ट टू जस्ट डिस्क्राइब एनी पॉइंट, ओके, तो जो भी आप लोग डिस्क्रिप्शन में जो किसी पॉइंट्स हेडिंग लगा के पॉइंट्स में जब आप लोग डिस्क्रिप्शन लिखते हैं, ठीक है, तो वहां पे हम लोग डिस्क्रिप्शन लिस्ट को यूज करेंगे। ओके, तो देखते हैं कैसा होने वाला है। डिस्क्रिप्शन लिस्ट मैं आपको बता दूं कैसे शो होगी। देखिए यहाँ पे मैंने पहले से प्रोग्राम बना रखा है, तो मैं आपको पहले आउटपुट बता देता हूँ कि कैसे आपको ये डिस्प्ले होने वाला है, ठीक है। सो दिस इज हाउ यू कैन शो योर वेब पेज एज अ डिस्क्रिप्शन। पहले यहाँ पे एक टाइटल ले लिया कुछ भी, ठीक है, फिर यहाँ पे एक पॉइंट लिया और उसको डिस्क्राइब किया यहाँ पे, ठीक है। सो ये पॉइंट वन, ये पॉइंट टू, ठीक है, तो एक तरीके से ये भी लिस्ट हो गए। तो पॉइंट वन को यहाँ पे एक्सप्लेन किया और यहाँ पे पॉइंट टू को एक्सप्लेन किया गया। सो दिस इज नोन एज अ डिस्क्रिप्शन लिस्ट। अब ये बनाने कैसे हैं, कैसे हम लोग इसको हम लोग एचटीएमएल बना सकते हैं, तो देखते हैं। सिंपल वे है डिस्क्रिप्शन लिस्ट का बनाने का तरीका, यहाँ पे देखिए ये दिस इज द प्रोग्राम फॉर दैट आउटपुट। एचटीएमएल टैग वही बेसिक टैग आपको यूज करना है, हेड, हेड के बाद में टाइटल, टाइटल के बाद में हेड को क्लोज कर रहे हैं, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे इसको हेड को क्लोज कर देते हैं, ठीक है। कई बार जब आप लोग हेड क्लोज नहीं करोगे तब भी आपका प्रोग्राम रन हो जाता है, बट इट डजेंट मीन दैट यू जस्ट नो नीड टू क्लोज इट। ओके, सो यू हैव टू क्लोज द एवरी कंटेनर टैग व्हिच आर यूजिंग इन योर प्रोग्राम। ओके, फिर क्या करना है आपको, बॉडी को ओपन किया, बॉडी को ओपन करने के बाद में डिस्क्रिप्शन, बस यहाँ पे एक जस्ट टेक्स्ट ले लिया डिस्प्ले के लिए, ठीक है। सो दिस इज द डिस्क्रिप्शन लिस्ट, ठीक है। इसको मैं एक काम करता हूँ H2 में एनक्लोज कर देता हूँ ताकि ये थोड़ा सा बोल्ड हो जाएगा, H2। ओके, और यहाँ पे क्लोज H2, ठीक है, क्लोज कर दिया। नाउ DL स्टैंड फॉर द डिस्क्रिप्शन लिस्ट, ठीक है,
और यहाँ पे लास्ट में इसको डीएल को क्लोज किया है। अब डीटी, डीटी मतलब जी जो टर्म्स होती है जिसको आपको डिस्क्राइब करना है उसके लिए आपको डीटी लिखना है, और डीडी मतलब कि उस टर्म की डेफिनेशन, ठीक है। सो डीटी है आपका, आपकी टर्म जो कि यहाँ पे आपको देखने को मिल रही थी, ठीक है, प्लांट सेल। ओके सो दिस इज द फॉर द डीटी, और ये है आपका डीडी का जो डिस्क्रिप्शन है। ओके तो यहाँ देख लीजिए, डीटी लिख दिया और डीटी के अंदर डीटी को क्लोज कर दिया। फिर डीडी के अंदर आपको जितनी भी आपको डिस्क्रिप्शन लिखनी थी वो आपको डिस्क्रिप्शन आप लोग यहाँ पे टाइप कर सकते हैं। फिर डीडी को क्लोज कर दिया। अगेन अगर कोई नेक्स्ट टर्म है उसको हमने लेना है तो डीडी को क्लोज करके फिर क्या करना है आपको, अगेन डीटी ओपन करना है फॉर नेक्स्ट टर्म विच यू आर गोइंग टू एक्सप्लेन। ओके सो डीटी ऑन किया, फिर डीटी के अंदर जो भी नेम लिखना है आपको वो लिखा, टर्म लिखी, और टर्म को लिखने के बाद में उसको क्लोज कर दिया। फिर क्लोज करने के बाद में अगेन डीडी स्टार्ट किया, आपने डीडी को क्लोज कर दिया यहाँ पे जाके लास्ट में। देखिए ये लास्ट में डीडी क्लोज हो गया यहाँ पे, ठीक है, दिस इज ओके यहाँ पे। अब क्या करना है, फिर लास्ट में आपको क्या करना है, डीएल अगर आपकी क्लोज करना है, अगर आपकी लिस्ट पूरी हो चुकी है, फिर बॉडी को क्लोज किया और एचटीएमएल को क्लोज किया। कंट्रोल एस कर देते हैं क्योंकि ऑलरेडी सेव्ड है। जाते हैं फाइल लोकेशन पे, यहाँ गए, डबल क्लिक किया, और डबल क्लिक करने के बाद में देखेंगे तो देखिए इस तरीके से याद, पहले जब हम लोग यहाँ देख रहे थे तो ये बोल्ड में नहीं था, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे H2 नहीं हमने यूज़ किया था। फिर मैंने उसको एडिट करके H2 यूज़ किया तो ये बोल्ड हो चुका है, और ये आपकी डिस्क्रिप्शन लिस्ट ऐसे आउटपुट आएगा इसका। सो दिस इज हाउ यू कैन यूज द डिस्क्रिप्शन लिस्ट विथ योर वेब पेज। ओके सो नाउ आई थिंक यू आर वेरी वेल नोन अबाउट द डिस्क्रिप्शन लिस्ट ऑल्सो। नाउ इट्स टाइम फॉर द नेक्स्ट पॉइंट विच इज टेबल। ओके सो वट इज द मीन ऑफ टेबल एंड हाउ यू कैन यूज इट। सो आई थिंक यू आर वेरी वेल नोन अबाउट द टेबल वेन एवर यू स्टोर द डेटा इन द रो एंड कॉलम फॉर्मेट। ओके सो दिस इज द मीन ऑफ द टेबल। ओके सो समटाइम देर इज द डेटा विच लुक बेटर इफ प्लेस इन टेबल। So in table, the data are arranged in a row and column. So HTML allow you to arrange the data like text, image, link, other tables, etc. in a cell. Table are used on website for the two major purpose. Okay, so you can create table for displaying your data on your web page. Okay, and the another purpose of the table is also there. Okay, so there is a two type of purpose of the table. Okay, so first one is that to arrange the information in the table, okay, for displaying in your web page, and the other is for creating a web page layout, okay, with the use of hidden table. ठीक है, तो वेब पेज का अगर आपको लेआउट अगर बनाना है, ठीक है, एक पर्टिकुलर, ठीक है, तब भी आप लोग वहां पे टेबल को यूज कर सकते हो। ओके सो दो तरीके से टेबल काम आती है, हिडन टेबल काम आती है आपके वेब पेज के लेआउट को बनाने में, और एक काम आती है जब आप लोग डिस्प्ले करते हो डेटा, ओके, इन द फॉर्म ऑफ टेबल ऑन योर वेब पेज। सो कौन कौन सी टर्म काम आने वाली है देखते हैं, ठीक है। सो फर्स्ट वन इज टेबल रो, टेबल डेटा, टेबल कैप्शन एंड टेबल हेडर। ओके सो सबसे पहले काम आएगा आपका टेबल, जो हम लोग टेबल टैग को यूज करेंगे। फिर उसके बाद में आप लिखते हैं टेबल कैप्शन, कैप्शन मतलब कि जो भी आपको कैप्शन उस टेबल का देना है वो आप लोग कैप्शन दे सकते हैं, ठीक है। फिर टेबल रो विच इज जो कि उसका टैग है आपका टी आर। ओके टी आर को ओपन कर रहे हैं, देन टी आर को क्लोज कर रहे हैं। फिर टेबल का डेटा, जो भी आप लोग टेबल की सेल में जो भी डेटा आप लोग पुट करना चाहते हैं वो आप लोग वहाँ पे टी डी को यूज करके आप लोग टेबल डेटा एज ए ले सकते हैं, ठीक है। फिर लास्ट में है आपका टेबल हेडर, ठीक है। सो हेडर मतलब कि जो फर्स्ट कॉलम सॉरी और जितने भी कॉलम है उसकी जो फर्स्ट होती है वो एज अ हेडिंग हम लोग कंसिडर करते हैं, तो वहाँ पे हम लोग जो भी लिखते हैं वो एज अ बोल्ड लेटर में लिखना चाहते हैं, ठीक है। सो वहाँ पे हम लोग यूज करते हैं टी एच, विच इज स्टैंड फॉर द टेबल हेडर। ओके सो कैसे बनानी है हम लोग देखते हैं। मैंने ऑलरेडी एक प्रोग्राम यहाँ पे टेबल का बनाया हुआ है, ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ। दिस इज ओके सो दिस इज द बेसिक प्रोग्राम फॉर द टेबल। मैं बोल्ड कर देता हूँ इसको थोड़ा सा, ठीक है, ताकि विजुअल थोड़ा सा अच्छा आ जाए। ओके सो आई थिंक इट इज विजिबल फॉर यू ऑल। ओके सो बेसिक एचटीएमएल कोड लिखा हेड तक, फिर बॉडी को यूज किया, बॉडी के अंदर हम लोग बीजी कलर यूज कर लिया, दिस इज द एट्रीब्यूट। ओके सो बीजी कलर आप लोग कुछ भी यूज कर सकते हैं, मैंने बताए थे जो 16 बेसिक कलर्स होते हैं आप लोग यूज कर सकते हैं फॉर द बैकग्राउंड कलर।
फिर टेबल यूज करनी है तो टेबल लिखा गॉड हाँ, और टेबल के अंदर क्या करना है आपको, जैसे टेबल आप लोग टेबल टैग यूज कर लिया, फिर कैप्शन आप लोग यूज करते हैं फॉर दैट पर्टिकुलर टेबल। ओके, सो कैप्शन स्टूडेंट टेबल ले लिया, फिर टी आर हमने लिया, ठीक है, विच इज स्टैंड फॉर द रो। सो टी आर के अंदर भी हमने लिया जो जितने भी आप टी एच काम में लेंगे ये एज अ कॉलम कंसिडर होंगे, ठीक है। सो टी एच फॉर द फर्स्ट कॉलम, देन दिस टी एच फॉर द सेकेंड कॉलम एंड दिस टी एच फॉर द थर्ड कॉलम। ओके, सो फर्स्ट रो में तीन कॉलम हो गए, टी आर ये फर्स्ट रो, और फर्स्ट रो यहाँ पे टी आर क्लोज कर दिया, ठीक है। सो टी एच को ओपन किया और टी एच को क्लोज भी कर दिया। ओके, ये है तरीका। फिर टी आर सेकेंड लिया यहाँ पे सेकेंड रो के लिए, अब यहाँ पे हम लोग टी डी काम दे रहे हैं क्योंकि यहाँ पे टेबल का डेटा आ रहा है, क्योंकि हमको अब यहाँ पे इसको क्या करना है, जो भी डेटा है वो एज अ बोल्ड नहीं डिस्प्ले करना है, सिंपल फॉन्ट के अंदर हमको डिस्प्ले करना है। तो हम लोगों ने इस तरीके से ये लिया, अगेन टी आर लिया और टी आर को क्लोज कर दिया यहाँ पे, और ये बाकी सारे टी डी करके हमने यहाँ पे अलग अलग कॉलम से वैल्यू पुट कर दी। फिर टेबल को लास्ट में क्लोज करना जरूरी है, ठीक है। सो टेबल को क्लोज किया, बॉडी क्लोज किया, नेक्स्ट टेबल को क्लोज किया, सेव करते हैं, ठीक है। तो सेव करने का वही फॉर्मेट है, सेव इस पे जाइए, ठीक है, मैंने ऑलरेडी सेव किया हुआ है, ठीक है। तो मैं जस्ट सेव कर देता हूँ इसको, और फाइल लोकेशन पे जाके हम लोग इसको डिस्प्ले करते हैं, ठीक है। सो रन करने के लिए यहाँ पे टेबल ये रहा, ओके। तो जैसे ही डबल क्लिक किया, सो बैकग्राउंड देखिए कलर येलो आ चुका है, बीजी कलर, ये टेबल कैप्शन हो गया आपका, और यहाँ पे ये टेबल। अब ये जो भी आपको दिख रहा है विदाउट बाउंड्री दिख रहा है, ठीक है। सो बॉर्डर इसमें नहीं है क्योंकि हमने कोई बॉर्डर लगा ही नहीं, ठीक है। बट ये जो फॉर्मेट आपको दिख रहा है ये टेबल के फॉर्मेट में दिख रहा है, ठीक है, जो भी टेक्स्ट है। अब इसको बाउंड्री अगर आपको लगानी है तो कहाँ लगाते हैं हम लोग बाउंड्री, अब मैं आपको एडिट कर करके हर चीज़ एक बताता रहता हूँ, ठीक है। सो टेबल में गए, यहाँ टेबल के अंदर भी बॉर्डर इक्वल, अगर आप जीरो लिखेंगे, ठीक है, तो जीरो लिखेंगे तो देखिए यहाँ पे कोई भी जो भी डिफरेंस नहीं आने वाला है, ठीक है, क्योंकि बॉर्डर जीरो मतलब कि जीरो आएगा। अब बॉर्डर की थोड़ी सी विड्थ हम लोग बढ़ा देते हैं, टू कर देते हैं, ठीक है। तो टू लिखते ही कंट्रोल एस किया, अब यहाँ पे जाके देखिए तो यहाँ पे बॉर्डर आ जाएगी, ठीक है। सो दिस इज हाउ यू कैन मेक योर टेबल्स बॉर्डर, ओके। सो ये है आपकी बॉर्डर टेबल। अब मुझे लगता है कि आपको डिस्प्ले हो गया होगा टेबल, ओके। सो ये है तरीका। इसी के साथ हम लोग, अगर आप लोग चाहें बैकग्राउंड कलर येलो अगर आपको पसंद नहीं आ रहा है, ठीक है, तो मैं अगर यहाँ पे पिंक यूज करता हूँ और सेव करके यहाँ पर रन करता हूँ, तो देखिए बैकग्राउंड कलर चेंज हो चुका है, ठीक है। तो आप लोग बस कोड के अंदर चेंज करते जाइए, और जो चेंजेस हैं वो यहाँ पे सेव करके रिफ्रेश करके देखेंगे तो आपको डिस्प्ले होते जाएंगे, ओके। सो दिस इज हाउ यू कैन मेक टेबल। नाउ वी आर गोइंग फॉर द फर्दर पार्ट ऑफ दिस टेबल, लाइक टेबल एट्रीब्यूट। तो आप लोग क्या क्या चेंज कर सकते हो, बॉर्डर, बॉर्डर का कलर, ओके, बीजी मतलब बैकग्राउंड, और बैकग्राउंड आप चेंज कर सकते हो, सेल पैडिंग एंड सेल स्पेसिंग, अलाइनमेंट एंड हाइट एंड विड्थ, ओके। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं यहाँ पे बॉर्डर और बॉर्डर का कलर, ओके। सो टेबल बॉर्डर जो भी है हम लोगों ने यहाँ पे ये टेबल बॉर्डर ली थी, ठीक है, टेबल बॉर्डर टू। और अगर सपोज करो कि आपको यहाँ पे इसका बॉर्डर का कलर अगर चेंज करना है, ठीक है, तो क्या करना पड़ेगा आपको, बस लिखना है बॉर्डर ऑफ ए COLOR। जैसे आप लोग कलर लिखा, इक्वल लिखेंगे, इक्वल लिखने के बाद में आपको जो पर्टिकुलर कलर चाहिए उसको यहाँ पे लिख दीजिए सिंगल कोट के अंदर, ठीक है। तो सिंगल कोट में मैं यहाँ पे रेड लिख रहा हूँ, फिर सेव कर रहा हूँ कंट्रोल एस से, और यहाँ पे आके देखते हैं, रिफ्रेश करते हैं, तो देखिए बॉर्डर का जो कलर है वो चेंज हो चुका है, ओके। सो दिस इज हाउ यू कैन चेंज योर बॉर्डर कलर ऑफ योर टेबल, ओके। नाउ अगर आपको बैकग्राउंड कलर, जो कि हमने बात की थी, नेक्स्ट जो है हमको अगर बैकग्राउंड कलर चेंज करना है, ठीक है, मतलब पर्टिकुलर टेबल का, ना कि पूरे पेज का। सो अगर आपको पूरे टेबल का बैकग्राउंड कलर अगर चेंज करना है तो आपको क्या करना है, आपको कोड लिखना पड़ेगा यहाँ पे बीजी, ओके। सो बीजी कलर आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा। तो हम लोग यहाँ अभी ये जो हम लोग बीजी कलर जो लिख रहे हैं, हमने पहले यहाँ पे पिंक लिखा था बॉडी के अंदर, तो पूरी बॉडी का कलर चेंज हो गया था, ठीक है। यही एट्रीब्यूट सेम हमको यहाँ पे लिखना है, ठीक है। तो हम लोग बीजी COLOR कलर लिख देते हैं इक्वल, अब पिंक लेंगे तो सेम सेम हो जाएगा, तो हम लोग यहाँ पे कुछ और ले लेते हैं, जैसे यहाँ ले लेते हैं हम लोग येलो, ठीक है, येलो को क्लोज किया, ओके। नाउ कंट्रोल एस सेव किया, यहाँ गए और
रिफ्रेश करके देखिए चेंज हो गया, तो बीजी कलर आपका पर्टिकुलर चेंज हो चुका है। ये आपने पूरी टेबल पे लगाया था तो पूरी टेबल पे आपने पूरा बीजी कलर उसका चेंज कर दिया, बैकग्राउंड कलर चेंज। बट अगर सपोज करो कि आपको पर्टिकुलर रो का कलर चेंज करना है, तो जिस भी रो का कलर चेंज करना है आप लोग रो को चेंज कर सकते हो, ठीक है। तो सपोज करो मुझे रो जो फर्स्ट है उसका कलर चेंज करना था, तो यहाँ पे मैं अगेन यहाँ जाके इसके एट्रीब्यूट में बीजी कलर लिख दूंगा, बीजी कलर इक्वल, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ग्रीन, ठीक है। कंट्रोल एस करूंगा, यहाँ जाके रिफ्रेश करके देखते हैं, ठीक है। तो देखिए फर्स्ट जो रो का कलर वो क्या आ गया, ग्रीन आ गया, ओके। एक और चीज मैं आपको बता दूं कि ये जो हमने हेडिंग जो लिखी है, ये आप स्पेस देके ना लिखें, ठीक है। आप वो हेडिंग को इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ठीक है, एंटर कर करके, ठीक है। तो कोई जरूरी नहीं है कि आपको कॉलम इस कॉलम के हिसाब से ऐसे लिखने हैं, आप लोग वन बाय वन ऐसे भी कॉलम को यहाँ लिख सकते हैं, ठीक है। ये आपको ताकि विजुअलाइज थोड़ा सा सही हो जाए, कंफ्यूजन ना हो, इस वजह से मैंने यहाँ पे लिखा था। तो टेबल रो को आप लोग कैसे भी लिख सकते हैं, देखिए मैं आपको सेपरेट करके बता देता हूँ। तो देखिए फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम, ठीक है, फिर ये फर्स्ट रो का सेकेंड कॉलम, और ये फर्स्ट रो का थर्ड कॉलम, ओके। फिर ये सेकेंड रो आ चुकी है यहाँ पे आपकी, और ये यहाँ पे आके क्लोज हो रही है, और यहाँ पे ये जो तीन जो पार्ट है अनिता मैथ्स एंड 85, ये है आपके उसके कॉलम्स, ओके। फिर यहाँ पे आपके थर्ड रो, और थर्ड रो यहाँ पे क्लोज हो रही है, ठीक है। सो आप लोग टाइप कैसे भी कर सकते हैं, ओके, आपको यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक है। मैं रिफ्रेश करता हूँ तो देखिए कोई फर्क। सो दिस इज हाउ यू कैन चेंज द बीजी कलर और बैकग्राउंड फॉर योर टेबल ऑल्सो। नाउ वी आर हियर फॉर द सेल पैडिंग एंड सेल स्पेसिंग, ओके। सो व्हाट इज द मीन ऑफ सेल पैडिंग, ओके। So the two attribute called cell padding and cell spacing are used to adjust the white space, okay, or the blank space between the cells of your table. So cell spacing attribute define the width of the border between two cells, while cell padding represent the distance between cell border, okay. So ये जो आपका जो स्पेस है, ये आपका कहलाता है सेल पैडिंग, और ये जो बीच का जो स्पेस है दो सेल्स के बीच में, ये आपका कहलाता है सेल स्पेसिंग, ओके। सो कैसे यूज करना है, इफ यू ओके, सो इफ यू डू नॉट स्पेसिफाई द पैडिंग एंड टेबल सेल विल डिस्प्ले विदाउट स्पेसिंग, ओके। सो अगर आपको ये स्पेस ज्यादा या कम चाहिए, ठीक है, तो आपको डिफाइन करना पड़ेगा, और वो डिफाइन कहाँ होगा, आपके कोड के अंदर, ठीक है। सो कोड आपका टेबल का ये रहा, और ये सारी चीजें जो भी एट्रीब्यूट आप लोग लगाओगे टेबल की, वो सीधी कहाँ लगेगी, आपके टेबल वाले एट्रीब्यूट में, ओके। सो हम लोग यहां लिखते हैं, ठीक है, सेल सेल स्पेसिंग, ठीक है, इक्वल, और मैं यहाँ पे 5 लिख देता हूँ, देन कॉमा, कॉमा की जरूरत नहीं, देखिए आप डायरेक्ट लिख सकते हैं सेल पैडिंग डबल डी, देन इक्वल, और सेल पैडिंग में हम लोग फाइव अगेन यहाँ पे 5 वैल्यू दे देते हैं, ठीक है। सो हम लोगों ने सेल पैडिंग में भी 5 दे दिया, और सेल स्पेसिंग में भी 5 दे दिया। तो कंट्रोल एस करते हैं, सेव करते हैं, और चेंजेस जाके यहाँ देखते हैं, ठीक है। तो ये देखिए, तो जो स्पेस था आपकी, जो सेल की जो विड्थ है, वो भी क्या हो गई, थोड़ी सी बढ़ गई, ठीक है। तो स्पेस जो है ये यहाँ से लेके यहाँ तक का जो स्पेस है, ये भी देखिए बढ़ गया है, और इसके बीच में भी स्पेस बढ़ गया, ठीक है। चेंज और करते हैं, 10 की जगह 5 की जगह यहाँ पे 10 ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ 10 लिया, कंट्रोल एस किया, जाके चेंजेस देखते हैं, ठीक है। ये देखिए, सो सेल स्पेसिंग में हमने जैसे ही 10 लिया, ठीक है, तो ये जो बिटवीन जो सेल्स के जो स्पेस है वो इंक्रीज हो गया, ओके। सो दिस इज हाउ यू कैन यूज द सेल पेडिंग और सेल स्पेस। नाउ अब बात करते हैं हम लोग अलाइन की, तो अलाइन कैसे करेंगे। अलाइन सपोज जैसे यहाँ पे आपका ये जो है लेफ्ट में अलाइन आ रहा है, ठीक है, तो टेबल को अलाइन करने के लिए वापस अगेन आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे वापस कॉमा लगाइए, और टेबल को अलाइन करना है तो टेबल के ही अंदर एट्रीब्यूट आएगा, तो यहाँ पे लिखना है ALIGN अलाइन इक्वल, मैं यहाँ पे सेंटर लिखता हूँ, ठीक है। तो सेंटर लिख के सेव किया, और यहाँ पे आके रिफ्रेश करते हैं, तो देखिए जो भी टेबल आपकी सेंटर में आ गई। सो यू कैन यूज लेफ्ट अलाइनमेंट, जो कि बाय डिफॉल्ट होता है, वो तो उसको कोई जरूरत नहीं है, सेंटर यूज कर सकते हो और राइट यूज कर सकते हो, ओके। या राइट भी आपको मैं यूज करके बता देता हूँ, तो यहाँ पे राइट
लिखा, कंट्रोल एस किया, और यहाँ पे ये देखिए, तो जो टेबल है वो आपकी राइट में आ गई। ओके, सो दिस इज हाउ यू कैन अलाइन योर टेबल ऑन योर वेब पेज। नाउ लास्ट पॉइंट इज द विच इज हाइट एंड विड्थ। ओके, सो हाइट एंड विड्थ आप लोग कैसे डिस्क्राइब कर सकते हो? जस्ट आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे जो एट्रीब्यूट है वहां पे सीधा हाइट और विड्थ लिखना है। ठीक है, हाइट लिखा इक्वल 200 लिख देते हैं। ठीक है, देन विड्थ इक्वल 100 लिखते हैं। ठीक है, कंट्रोल सेव करके देखते हैं। सेव करने के बाद में चेंजेस यहाँ पे ये देखिए, तो जो उसके विड्थ और हाइट है वो हमारे जो पॉइंट्स के हिसाब से चेंज हो गए। ओके, सो अगर आपको आपके अकॉर्डिंग इसकी हाइट और विड्थ चाहिए, तो नाउ यू कैन चेंज इन द एट्रीब्यूट। ओके, सो एट्रीब्यूट वाला जो सेक्शन है, आप लोग यहाँ पे इसकी हाइट और विड्थ को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, परसेंटेज के अंदर आप लोग यहाँ ले सकते हैं, जैसे 50। ठीक है, परसेंटेज का साइन लगा दीजिए, तो अकॉर्डिंग द परसेंटेज ये यहाँ पे चेंज होने वाली है। ठीक है, ये देखिए। ओके, सो दिस इज हाउ यू कैन चेंज द ऑल एट्रीब्यूट ऑफ योर टेबल इन द टैग्स। ओके, सो ये है तरीका आपका टेबल बनाने का। सो आई होप यू आर वेरी वेल नोन अबाउट ऑल दिस थिंग विच आर जस्ट स्टडीड अबाउट इन दिस सेशन। ओके, सो सबसे पहले आपने देखा था सी एस एस, कि हम लोग सी एस एस कैसे यूज करते हैं फॉर द गेट मोर अट्रैक्टिव लिस्ट। ओके, देन वी जस्ट डिस्कस अबाउट द डिस्क्रिप्शन लिस्ट, डिस्क्रिप्शन लिस्ट को कैसे देखा। ठीक है, ये फिर हम लोगों ने टेबल्स देखी, टेबल्स को कैसे बनाना है, क्या करना है। ठीक है, वो सारे टैग्स, ठीक है, जो कि हेल्प होते हैं टैग्स टेबल बनाने के लिए। ठीक है, विच इज लाइक जस्ट टी आर टी डी कैप्शन एंड टी एच। ओके, फिर हम लोगों ने देखा था बॉर्डर, बीजी कलर, बैकग्राउंड, ओके, सेल पैडिंग, सेल स्पेस, अलाइन एट्रीब्यूट एंड हाइट एंड विड्थ। सो आई होप यू आर वेरी वेल नोन अबाउट दिस थिंग। सो इट्स इनफ फॉर द टुडे। सो कीप वॉचिंग दिस सीरीज फॉर नोइंग मोर अबाउट द HTML। टिल देन स्टे हैप्पी एंड स्टे सेफ। थैंक यू।